सागर जिला में पेट्रोल नायाब हो गया, आवाम परेशान। पीएसओ के अलावा किसी भी पंप पर पेट्रोल नहीं। मजीद देखते हैं इशफाक सुलेरी की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत पर कमी के बाद पेट्रोल जो है पूरे सिंध की तरह सांगड़ में भी नायाब हो चुका है, लेकिन दूसरी जानिब से पीएसओ पंप जो है यहाँ पर हैदराबाद स्टाफ और जो डिपो स्टाफ है इसके रीजन का उसकी जानिब से यहाँ पर सिर्फ पीएसओ पंप्स पर तेल की फरामी को यकीनी बनाया गया। इस हवाले से यहाँ पर लोगों के क्या तासरात हैं इस पर हम लोगों से बात भी करेंगे कि क्या वजूहत है, किस तरह से यहाँ पर तेल की जो मसनूआत कमी हुई है, तो आने वाले दिनों के अंदर क्या पेट्रोल जो है वो नायाब हो जाएगा, क्या सुचारू होगी, इस पर हम बात करेंगे। पीएसओ के यहाँ और जितनी भी गैर मुल्की कंपनियाँ कोई भी तेल सप्लाई नहीं कर रही, वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रही हैं, अपना अरबों और पैसा लाना वो यहाँ से कमा कर बाहर ले मुल्क भेज रही हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अगर नुकसान हुआ है तो उन्होंने मुल्की मैशियत का पहिया जाम कर दिया है, वो तेल बिल्कुल भी सप्लाई नहीं कर रही। सिर्फ एक पीएसओ वाहिद कंपनी है जो मुकम्मल पूरे मुल्क में भरपूर सप्लाई दे रही है। हमारे यहाँ सांगड़ झोल में हमारे हैदराबाद डिवीज़न का अमला है और जो डिपो स्टाफ है इंतहाई मेहनत कर रहा है और यहाँ तक मेहनत करके हमेशा हमारी सप्लाई यकीनी बना रहा है। तेल क्यों क्या करते हैं? बस बेटा वो तेल का नीचे आ गया है, वो इस वजह से अभी जो है ना देते नहीं है। पता ये है कि तेल सस्ते होने से तेल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ती है, और तेल कम होता है तो कोई चीज़ कम नहीं होती है। ये प्रॉब्लम जो है ना ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा फुल पीएसओ के अलावा दीगर जो कंपनियाँ हैं इस वक्त काम कर रही हैं, क्या वो प्रॉफिट में तो है, नुकसान में साथ नहीं? क्यों मसला ये है कि उनकी बिजनेस का ये तो मुझे पता नहीं है क्या उनका बिजनेस है, और ये बाकी मैं जो हूँ कंफर्ट रहता हूँ पीएसओ, मेरा ये है कि मैं जब भी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूँ तो शायद इसमें कोई किसी दूसरी कंपनी का डला होगा तो अलग बात है, बाकी पीएसओ ही लेता हूँ। पीएसओ पेट्रोल पंप्स के अलावा पूरे सिंध के अंदर कहीं पर भी पेट्रोल नहीं मिल रहा, दूसरे समर के जिले इंतजामिया के साथ साथ सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर सिंध भर में मौजूद हजारों के तादाद में पेट्रोल पंप के इंतजामिया को इस बात पर पाबंद किया जाए कि वो फौरी तौर पर तेल की फरामी को यकीनी बनाए, ताकि सिंध के आवाम को जो मुश्किल का सामना करना है उसको कमी आ सके। कैमरा मैन के साथ सांगड़ से इस बात सुनिए।